कौर जो कि बिग बॉस 16 के घर में दहाड़ रही हैं अपनी पहचान दिखा रही है आज हमारे साथ उनके पिताजी हैं सर आप पहले सबसे तो ये जानना चाहूँगी कि अपनी बेटी को इतने दिन आपसे दूर रहते हुए एक पिता के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और आज आप उनसे मिलने वाले हैं पहले मिलते ही क्या कहने वाले आई एम गोडर मैं उसको यही कहूँगा कि बेटा बहुत मिस किया लेकिन आपको रोज टीवी पे देख के मिस नहीं भी किया जिस हिसाब से आप खेल रहे थे यही कहेंगे इसको जी आ, आपके लिए और बाकी घर में सभी के लिए कितना मुश्किल रहा है उनसे इतने दिन दूर रह पाना क्योंकि वैसे तो शूट्स में काफ़ी दिन रहते ही हैं लेकिन ऐसे दूर रह पाना कितना डिफिकल्ट रहा आ, बच्चे को किसी भी माँ बाप से दूर रहना एक कह लीजिए एक एक प्रकार का एक्सपीरियंस होता है पेनफुल एक्सपीरियंस होता है और मेरे साथ कुछ ऐसा इंडिविजुअली कि मैं परिवार से दूर ही रहा हूँ काफ़ी टाइम बट यस yes, हर दिन एक होता था कि अभी 120 में से 60 रह गए अभी 70 दिन ख़त्म हो गए अभी 90 दिन ख़त्म हो गए तो हर दिन हम काउंट करते थे कि अभी ये खत्म और, so, और आपके उनसे दूरी भी रही है कैसा लग रहा है आपको उनका गेम क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको गेम को लेकर उसका गेम काफी अच्छा रहा अभी तक का सफर बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से वो अपने आप को उन्होंने गेम अपना खेला है काम कंपोज बिल्कुल और अपना दिमाग लगा के वो गेम को डी करती हैं उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा सा शिवाज लो बट खुशी की बात यह है कि इन तीन चार महीनों में वो अपने पिछले जिस दौर से गुजरी थी वो उससे रिकवर कर पाई हैं और मेडिसिन से वीन ऑफ हो गई हैं तो उस हैंडीकैप के साथ यहाँ तक पहुँचना और अच्छे से परफॉर्म करना एक अचीवमेंट है उनकी अगर मंडली की बात की जाए तो शुरुआती दिनों से ही जो दोस्त उन्होंने बनाए थे उनके साथ उनकी दोस्ती बरकरार रही अभी तक आ, ये दोस्त आपको कितने लगते हैं कि उनके रियल दोस्त हैं और किसके साथ आपको उनकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं पहली बात तो मंडली नहीं है कह लीजिए फैमिली है और अगर मंडली शब्द इस्तेमाल करना है तो इस घर के अंदर में मंडली भी है टोली भी है झुंड भी है छोटी मंडली भी है सो so, वो निमृत ने शुरू से एक किसी के साथ दो तीन फ्रेंड्स के साथ दोस्ती करी और ये जो ऑल बॉयज़ मंडली थी मैं एक शब्द यूज़ करता हूँ ऑल बॉयज़ मंडली में एक सिर्फ सुबुल थी फ्रॉम इनिशियल फेजेस या गौरी थी निमृत ने इस मंडली में जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं उसमें एक्सपीरियंस्ड कंटेस्टेंट है साजिद जी या शिव जो सेकेंड टाइम शो करने आए हैं रियलिटी शो एक जीते हुए कंटेस्टेंट है उस मंडली में अपना एक्सेप्टेंस बनाना उस मंडली में प्रवेश करना वो भी एक अचीवमेंट है और फिर उसके बाद उसकी दोस्ती पुराने लोगों के साथ टूटी नहीं है पुराने लोगों को जब ये लगा कि ये मंडली में चली गई है उनको उस पर शायद डाउट हो गया निमृत आज भी एक टास्क था जिसमें निमृत ने छः नंबर पर जाने के लिए अड़ गई थी और उससे कुछ दिन पहले टीना के बर्थडे पे शिव ने निमृत को कैप्टन बना दिया था लेकिन निमृत ने टीना जो उसकी फ्रेंड थी उसको कैप्टन बना दिया जब वो पहली बार तीन लड़कियां कैप्टन बनी थी सो निमृत ने अपने जो दोस्तों का जो दायरा था वो चेंज होने के बावजूद भी जो ओरिजिनल दोस्त थे उनके साथ भी उसने अच्छे से ही खेला है या अच्छे से भी उनको ट्रीट किया है और शायद उन वो दोस्त जो मंडली से अभी दूर हैं या पहले मंडली के क्लोज थे वो जो हैं उनको लगता होगा ऐसा और निमृत अपनी मंडली में एक क्या कहते हैं एक्सेप्टेड uh, या फेवरेट मेंबर मानी जाती हैं इंटेलिजेंट मेंबर मानी जाती हैं साजी जी ने उसकी गेम को भी रिकमेंड किया था सुम्बुल को भी बोला था इस लड़की के साथ रहना समझदार लड़की लाइक दैट सो इट और क्या था आपका सवाल में जी। आ, किन लोगों से आप चाहेंगे कि उनको दूरी बनाए रखनी चाहिए दूरी तो आप किसी से बना ही नहीं सकते इसके अंदर ये घर ही ऐसा सो so, जो है गेम के हिसाब से अगर बोलूँ तो गेम के हिसाब से अभी कल परसों के एपिसोड में जब सलमान ने एक्स वाई जेड वाला कोट किया सो so, उसमें उनको मतलब कि जो है यही देखने में जो मुझे लगा कि वो यही है कि कुछ कैंडिडेट उनके एब्सेंस में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि शायद उनकी किसी और की फ्रेंडशिप के साथ फ्रिक्शन ला सके और वो समझ गई ये लड़की वो उसने लाफ इट ऑफ कर दिया क्योंकि तो वो नेचर से ही ऐसी है वो उसको फील हो गया था पहले से ही बट देन शीज टेकन इट इन स्ट्राइड कि ठीक है इट्स पार्ट ऑफ इट ऐसे में आ, मैं कहूँगी कि वीकेंड में जो एक पेरेंट्स और होस्ट मीटिंग हुई थी जहाँ पेरेंट्स टीचर हम समझते हैं जी जी तो उसमें कई सारी चीज़ें कही गई प्रियंका के फैन फॉलोविंग और जो जिस तरह से उनके फैंस कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया पर उसको लेकर काफ़ी बातें की गई एक नोट भी जारी किया गया किस तरह से देखते हैं आप इस पिक्चर को आ, वो जो कन्वर्सेशन थी जो स्टेज पर हुई उससे पहले एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी जिसमें एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था कि निमृत के पेज पे इतनी ट्रोलिंग होती है उसको इतना बुरा भला बोला जाता है आपको बुरा लगता है तो मैंने बोला यस लगता है कौन कर रहे हैं तो मैंने कहा वो जो लोग कर रहे हैं वो दूसरे कैंडिडेट को अपलिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं वो बोलते हैं कि आप जीरो हम हीरो हैं वो एक ही फैन करता है बाकियों के नहीं करते फिर उस पर्टिकुलर फ़ैन के पेज पे डेरोगेटरी पोस्ट डेरोगेटरी रील्स शेयर होती हैं सो दैट मीन्स वो ऑफिशियल पेज जो है वो इनक्रेज कर रहा है जो फैंडम्स बना के उनको मटीरियल दे रहे हैं हम नहीं करते हमने अपने फैंस को डिस्करेज किया बी गुड द इज नो रिक्वायरमेंट टू डू दिस सो द क्वेश्चन केम टू ट्रॉलिंग सो मैंने ट्रॉलर्स के बारे में बोला था जब सलमान सर ने यहाँ पूछा आपने हमारी टीम को ऐसे बोला कौन करता है ट्रोलिंग तो ऑब्वियसली वही करता है जो इनसिक्योर है अब कौन इनसिक्योर है बहुत लोग इनसिक्योर हो सकते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल ट्रॉफी तो एक ही है सो so, बट जो बाकी के लोग हैं वो नहीं करते एक ही फैंडम कर रहा है और उस फैंडम का जो ऑफिशियल पेज है वो उनकी पोस्ट और रील्स शेयर कर रहा है इज इट राइट क्या ये ठीक बात है तो तब उन्होंने प्रॉम्प्ट किया नाम प्रियंका तो मेरा आंसर था ऑब्वियसली इन दैट कंटेस्ट मैंने बोला ना मैंने फैंस के बारे में बोला बट मैंने उसके बाद जब ये हुआ तो मैंने देखा कि भी निमृत के फैन पेज पे निमृत के पेज पे सारे फॉलोअर्स विजिबल है अब किसी ने प्राइवेसी बोल के हाइड किए हुए हैं क्या कारण है लेकिन अगर आपके अगर आपने क्या कहते हैं क्लियर हो फेयर हो तो वाई नॉट सो so, द मेरा जो आंसर था इज़ एड्रेस टू दोज हेटर्स या ट्रॉलर्स और ये ट्रॉलिंग अक्टूबर में शुरू हुई है फर्स्ट अक्टूबर से निमृत तो इंडस्ट्री में तीन साल से है पहले क्यों नहीं हुई अभी क्यों हुई जी। फिर एक फैंडम क्यों कर रहा है सारे क्यों नहीं कर रहे सो so, बाकी मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है उसमें सारा कुछ मैंने कन्वे कर दिया है इसके ज़्यादा और क्या बताए एज एन इंडिविजुअल अगर गेम देखा जाए निमृत और प्रियंका के इक्वेशन का जो डे वन से चलता रहा है काफी रिलेशन या मैं कहूँगी बहुत सटल रहा है दोनों का इस रिलेशन को किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों की जब भी आप उनको ऑन उन स्क्रीन देखते हैं uh, मेरा ये मानना है या कहना ये है कि निमृत इज ए वेरी प्लेयर विद स्पोर्ट्स स्पिरिट शी वॉज मेहर दी कैप्टन फर्स्ट डे फर्स्ट कैप्टनसी टास्क में क्या हुआ वो आपको मालूम है वो वहाँ से दरार पड़ी उसके बाद में वो दरार बढ़ती गई खाने की पोर्शन पे बात होने ले लो या कुछ भी ले लो एडसे्टर एडसेक्ट्रा किसी भी टास्क में ले लो सो so, वो दरार बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि वो दोनों का आपस में रिलेशन ऐसा हो गया निमृत ने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ डिफरेंट है उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट का अभी भी वही है सो so, जब एक स्टेप आप लेते हो तो दूसरा एक स्टेप लेता है तो फ्रेंडशिप का हाथ होता है बट निम्नता आज भी ओपन है कि अगर वो इस शो में आई है टोटल सोलह लोग और दो वाइल्ड कार्ड मिला के अठारह बीस है तो वो 18 बीस में ही इन्वेस्ट करेगी जी। तो जो फ्रेंड फ्रेंड्स बनेंगे अच्छी बात है जो नहीं बनेंगे वो उन्हीं का लॉस है लास्टली क्योंकि शिव और अब्दू के साथ उनकी काफ़ी अच्छी बनती है शिव के साथ उनकी जो रिलेशन भी है हम देख सकते हैं काफ़ी क्यूट है और अब्दू के साथ जिस तरह से डे वन से रहा है लेकिन कभी अब जबकि वो जाके बाहर वापस आए हैं उनको ऐसा लगता है कि वो फेक वो दोस्ती नहीं रह गई है उनके बीच कहीं कुछ अलग हो गया है क्या आपको भी ऐसा लगता है और शिव के ऊपर ऐसा नहीं है वो उसकी जो फ्रेंडशिप डेवलप हुई Uh, अब्दू के साथ अब्दू एक प्लेयर था जिसको इंट्रैक्ट करना था और निमृत एक इंटरनेशनल इन्वामेंट में रह चुकी है इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं उसके इंटरनेशनल गेस्ट को होस्ट कर चुकी है उनके घरों में रह चुकी है जब वो बाहर विदेश गई थी तो उसको अब्दू में एक फ्रेंड ही दिखाई दिया जो उम्र में उनसे छोटा है लेकिन कद में और कैपेबिलिटी में उनके बराबर है सो so, उनकी फ्रेंडशिप जब लाइक like माइंडेड लोग एक सोच के लोग एक इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन वाले लोग बैठते हैं तो दोस्ती होती है और उसको अब्दू को अपने उनसे बाकी साथियों से हट एक कंटेस्टेंट मिला जिससे वो टाइम स्पेंड कर सकता है सो वो एक बॉन्डिंग चल रहा था फिर वो निमृत की गेम को करेक्ट करने के लिए जो भी उन्होंने बोला वो हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं कंटेंट शेयर नहीं किए और कंटेंट वैसे थे भी नहीं बट उसकी गेम के लिए या के लिए बोला गया इट्स गुड ओके लास्टली क्योंकि आ, सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि एज अ पिता तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि वो इस बार ट्रॉफी जीत के लाए बट अगर उनके अलावा किसी और को जीतता हुआ देखते हैं तो वो कौन है हर पिता चाहेगा कि उसका बच्चा ट्रॉफी जीत के आए जी। अगर इसके अगर वो नहीं जीते तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि शिव स्टैन are capable candidates.